नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि खरकाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं टाटा जी 1150 गेयरबॉक्स कैसा ओपन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, यह 1150 गेयरबॉक्स का पार्ट वन है, जिसमें हमने बताया है गेयरबॉक्स कैसा ओपन करते हैं, और हम पार्ट टू में बताने वाले हैं प्लानिटरी सिस्टम कैसा ओपन करते हैं। पार्ट थ्री में बताएंगे मेन सब कैसा असेंबल करते हैं, और पार्ट फोर में बताएंगे गेयरबॉक्स फिटिंग कैसा करते हैं, और पार्ट फाइव में हम बताएंगे कि प्लानिटरी सिस्टम कैसा असेंबल करते हैं और गेयरबॉक्स में कैसा फिट करते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, देख सकते हैं हम आ चुके हैं टाटा जी 1150 गियरबॉक्स के पास, और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप गियरबॉक्स कैसा ओपन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें प्लानिटरी सिस्टम को ओपन करना है। तो प्लानिटरी सिस्टम ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें लो गियर का जो फॉर्क है, फॉर्क का प्लग खोलना है, और साथ में न्यूट्रल स्विच को भी ओपन कर लेना है। तो चलिए, हमने दोनों को ओपन कर लिया है। अब चलते हैं और देख सकते हैं ये गियरबॉक्स का मॉडल जो कि जी 1150 है, ठीक है। तो चलिए हम प्लानिटरी सिस्टम को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये प्लानिटरी सिस्टम के जितने भी सारे राउंड के बोल्ट है उन्हें आप खोल लें। हमने पहले से ही सारे बोल्ट को ओपन करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए। तो देख सकते हैं ये रिवर्स का फॉर्क आता है, और ये है न्यूट्रल, इसमें न्यूट्रल का प्लग लगा होता है। और तो दोस्तों, हमें अब प्लानिटरी सिस्टम को निकालना है। उससे पहले हमें एक स्क्रू लगा हुआ है, उस स्क्रू को खोलना है, और उस स्क्रू को खोलने के बाद उसके अंदर एक पट्टी लगी हुई है, उस पट्टी को हल्का सा प्रेस करके रखना है और प्लानिटरी सिस्टम को पूरा का पूरा बाहर खींच लेना है। आराम से पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। जिस स्लाइड पट्टी पे को लॉक करके रखता है उस बोल्ट को भी ओपन कर लेते हैं। अब चलिए, हम प्लानिटरी सिस्टम ओपन करने से पहले आप देख लें कि सारा गियर जो है न्यूट्रल पोजीशन में है या नहीं। अगर गियर में होगा तो दिक्कत आएगी निकालने में। तो देख सकते हैं, हमने प्लानिटरी सिस्टम को दोनों साइड से स्क्रूड्राइवर लगाकर हल्का हल्का पीछे प्रेस करना है, आराम से पीछे आ जाएगा। ये प्लानिटरी सिस्टम टोटली पूरा असेंबल है, अभी हमने इसमें कुछ भी डिसमेंडल नहीं किया है। फिलहाल हम इसे साइड में रख देते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं और ये देख लेते हैं। ये है दोस्तों प्लानिटरी सिस्टम का सन गियर, और उसके जस्ट पीछे लगा हुआ है एल्युमिनियम का जो वो है ऑयल पंप। और ऑयल पंप, अब हमें इस ऑयल पंप को और इस सन गियर को ओपन करना पड़ेगा। फिलहाल चलिए हम उसे छोड़ देते हैं, हम आगे से गियरबॉक्स को ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसी प्रकार जैसे हमने प्लानिटरी सिस्टम का बोल्ट को ओपन किया था, उसी प्रकार इसके घेरे में भी सारे बोल्ट लगे हुए हैं, वो सारे बोल्ट को ओपन कर लेना है। उसके बाद हल्का सा स्क्रूड्राइवर लगाकर गियर हाउसिंग को बाहर खींच लेना है। हाउसिंग निकालने से पहले आपको गियर के बीच में एक कोई प्लेट लगानी होगी ताकि हल्का सा गियर ऊपर आ जाए, जैसे कि फिलहाल हमने अभी नहीं लगाया है इसलिए थोड़ा सा टाइट जा रहा है। चलिए हल्का सा उठा के हम इसमें नीचे साइड में कोई प्लेट या पट्टी लगा देते हैं ताकि हल्का सा गियर ऊपर हो जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक प्लेट लगा दिया है और ये आराम से हाउसिंग बाहर निकल गया।
तो चलिए हम फिलहाल इसे साइड में रख देते हैं। और ये है इनपुट सॉफ्ट, जो कि हम टॉप सॉफ्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो गियरबॉक्स का हाउसिंग कितना इजीली बाहर निकल चुका है। और उसके बाद में हम इनपुट सॉफ्ट को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं, इनपुट सॉफ्ट भी हमारा बाहर आ चुका है। उसके बाद में हम चलते हैं गियरबॉक्स के बैक साइड में, और चलिए हम पहले सनगियर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, सनगियर को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें उसको लॉक करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने कैसा लॉक किया है। और उसके बाद में सनगियर का जो लॉक बोल्ट है, उसे ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद में सनगियर हल्का सा टाइट रहता है, मतलब ज़्यादा भी नहीं, आप इजीली उसे बाहर निकाल सकते हैं दोनों साइड से प्रेस करके। चलिए फिलहाल हम अभी इसे छोड़ देते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है स्टेनर फिल्टर, जो कि ऑयल पंप का है। इसमें 22 नंबर की एलंकी बोल्ट लगता है। और चलिए अब हम उसे छोड़ देते हैं। पहले ये है रिवर्स गियर, और आप देख सकते हैं हमने एक रेड कलर का गोला दिया है, उसमें एक लॉक बोल्ट लगा हुआ है 13 नंबर का। उस 13 नंबर के लॉक बोल्ट को खोलना है और ये पिन को हल्का सा ऊपर से मार देना है, पिन नीचे गिर जाएगा और आप रिवर्स गियर को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने रिवर्स गियर को बाहर निकाल लिया है। और रिवर्स गियर के ऊपर और नीचे एक एक दो पट्टी लगी हुई है, वाइसर जिसे हम कहते हैं। और रिवर्स आइडल गियर में दो बेयरिंग पे लगी हुई हैं। और ये देख सकते हैं, ये है रिवर्स गियर का पिन, जो कि इस जगह पे लॉक किया हुआ था। तो चलिए अब हम सारे न्यूट्रल वाल प्लग और स्प्रिंग को खोल लेते हैं और बाहर कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें 17 का स्पैनर लगता है। और जैसे ही एक कैप निकालते हैं, उसके बाद में एक स्प्रिंग और उसके नीचे एक रोलर वाल लगा रहता है। आप देख सकते हैं, ये है रोलर वाल। इसी प्रकार से इस चारों होल में रोलर स्प्रिंग, रोलर वाल और स्प्रिंग लगा रहता है। और देख सकते हैं, ये सनगियर को हमने खींच लिया था बाहर, वो आ गया था। और ये है ऑयल पंप का कपलिंग। चलिए फिलहाल हम इसे साइड में रख देते हैं और ऑयल पंप खोलना स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा ऑयल पंप खुल चुका है। और जहाँ से हमने स्टेनर फिल्टर निकाला था, वहाँ से स्क्रूड्राइवर को हल्का सा डाल के पीछे की तरफ खींच लेना है, ऑयल पंप बाहर आ जाएगा। ध्यान रहे, ऑयल पंप खोलते समय उसके जॉइंट पे स्क्रूड्राइवर का उपयोग ना करें, ताकि अगर स्क्रूड्राइवर को अगर उपयोग करते हैं तो उस पर स्क्रैच आ जाएगा और ऑयल पंप ख़राब हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम उसे साइड में रख देते हैं। तो देख सकते हैं, हमारा जैसे ही हमने ऑयल पंप ओपन किया, वैसे ही हमारा काउंटर पूरा बाहर हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें दोस्तों मेन शॉप को बाहर करना है। तो मेन शॉप को बाहर करने के लिए सबसे पहले हमें दोस्तों गियरबॉक्स को खड़ा कर लेते हैं। और खड़ा करने के बाद में हमें 3 नंबर और 4 नंबर का फॉर्क को निकालना पड़ेगा। तो चलिए हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, और ये फॉर्क आराम से निकल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप फॉर्क को निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों, हमें 1 नंबर और 2 नंबर का भी जो फॉर्क सॉफ्ट है, उसे बाहर निकालना होगा। तो उस फॉर्क सॉफ्ट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक लॉक निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर्क और सॉफ्ट के बीच में एक लॉक है, उस लॉक को बाहर निकालना होगा। और बाहर निकालने के बाद में डायरेक्ट हम राड को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्क उसी जगह पर रहेगा और हम डायरेक्ट घुमा घुमा कर सॉफ्ट को ऊपर कर लेते हैं। ठीक, और हमारा जो जैसा सॉफ्ट ऊपर आ जाता है, तो आप हल्का सा मेन शॉप को बैक साइड में खींच कर बाहर निकाल सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट पूरा सॉफ्ट को भी बाहर निकाल सकते हैं। बट हम सॉफ्ट नहीं निकालेंगे, हल्का सा मेन शॉप को बैंड करके फॉर्क को निकाल लेते हैं।
उसके बाद दोस्तों हम गेयरबॉक्स को घुमा लेते हैं। तो दोस्तों जो आज हम 1150 का गेयरबॉक्स ओपन करने का वीडियो बनाया है, ये है पार्ट वन। और पार्ट टू में हम बताएंगे कि प्लानेटरी सिस्टम कैसा ओपन करते हैं। तो दोस्तों मेन शाफ्ट और फॉर्क शाफ्ट को एक साथ पकड़कर खींच लेना है बाहर आराम से, थोड़ा दिक्कत जाएगा, हिला हिला कर खींचना है, आराम से बाहर निकल जाएगा मेन शाफ्ट। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप पूरा का पूरा मेन शाफ्ट को बाहर कर सकते हैं। चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए हम गियरबॉक्स केसिंग के पास चलते हैं और उसमें देखते हैं जिस पट्टी की हमने बताया था फॉर्क रॉड में लगी होती है उस पट्टी को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, और इस साइड में उसका प्लग दिया हुआ है, तो हमने एक बोल्ट लगा कर रखा है। अगर उसको हल्का सा हम प्रेस करेंगे तो पट्टियाँ देखिए कैसा लॉक होता है, अप डाउन होता है। ठीक है, हम उसके बारे में और बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल चलिए हम मेन शाफ्ट को डिसमेंटल करके देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों इस गियरबॉक्स में प्रॉब्लम क्या था हम आज आपको बता देते हैं। दोस्तों जब हम रिवर्स में गाड़ी चलाते थे उस समय रिवर्स गियर में आवाज़ आता था, जिसका अभी तक हमें प्रॉब्लम मिला नहीं है। चलिए हमें मेन शाफ्ट को ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल हम मेन शाफ्ट के रिवर्स गियर को ओपन करके देख लेते हैं, शायद उसका सेंक्रो रिंग हब वगैरह कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद में हम प्लानेटरी सिस्टम खोलेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में प्लानेटरी सिस्टम ओपन का वीडियो पार्ट टू में बताएंगे, जो कि कल या परसों में हम अपलोड कर देंगे। तो मेन शाफ्ट ओपन करने के लिए दोस्तों मेन शाफ्ट की जो बेयरिंग है वो मेन शाफ्ट की सीट में बहुत टाइट रहती है, उसे आप प्रेस से भी खोल सकते हैं। फिलहाल हमने तो छेनी हैमर से खोला है। और बेयरिंग के नीचे एक वाशर लगता है, आप ध्यान दीजिएगा जब भी फिटिंग करें तो वाशर बिल्कुल डालना है। और ये है रिवर्स आइडल गियर, सॉरी रिवर्स गियर मेन शाफ्ट का, और ये सेंक्रो, और ये है गियर स्लाइडर। तो चलिए फिलहाल हम ये नाम वाम तो सब हम बाकी बाद में बताएंगे, फिलहाल हमें अभी प्रॉब्लम ढूंढना है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल मैकेनिक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। दोस्तों यह टाटा GB 1150 गियरबॉक्स का पार्ट वन है, जिसमें हमने गियरबॉक्स डिसमेंडल कैसा करते हैं बताया है, और हम पार्ट टू में बताने वाले हैं कि प्लानेटरी सिस्टम कैसा ओपन करते हैं जिसमें कैरियर लगा होता है। और हम पार्ट थ्री में बताएंगे मेन शाफ्ट कैसा असेंबल करते हैं, और पार्ट फोर में बताएंगे हम गियरबॉक्स कैसा असेंबल करते हैं, और पार्ट फाइव में हम बताएंगे कि प्लानेटरी सिस्टम कैसा काम करता है और कैसा असेंबल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मेन शाफ्ट का लॉक को ओपन कर लेते हैं, और लॉक ओपन करने के बाद में हम गियर हब को बाहर कर लेते हैं और लो गियर को निकाल कर हम चेक कर लेते हैं, शायद लो गियर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देख सकते हैं फिलहाल इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का हल्का सा मार्क आया हुआ है, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में देखेंगे कि इसमें इस गियरबॉक्स में प्रॉब्लम क्या था। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।